देख रहे हैं डेजिटी न्यूज। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में, इस बार कैसे मनाए जाएंगे क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, तो इस बीच कैसे मनाया जाएगा हमारे देश का आजादी दिवस। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार सरकार ने क्या गाइडलाइन दी, क्योंकि पिछली बार भी यह पूरी सादगी से मनाया गया था, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन आई है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त को लेकर राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी निर्देश में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार 2021 का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन समारोह में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पटना के गांधी मैदान में होने वाले समारोह में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को देखते हुए स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए समारोह में लोगों की संख्या कम हो, इसके लिए अति विशिष्ट महानुभव और वरीय पदाधिकारी को ही आमंत्रित किया जाएगा। समारोह में अन्य राज्य से आने वाले विशिष्ट लोगों को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि गांधी मैदान के अलावा महादलित टोले में झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसमें पदाधिकारी भाग लेने और बुजुर्ग महादलित के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा, जो प्रत्येक साल किया जाता है। सरकार की तरफ से जारी निर्देश से यह स्पष्ट किया गया है कि गांधी मैदान में झांकियों की संख्या 7 से 8 होगी और उन झांकियों में जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय, मद निषेध, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन से जुड़ी झांकियों को ही प्रदर्शित किया जाएगा। अब सरकार ने जब 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है तो गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर समारोह को लेकर पटना पुलिस ने सुरक्षा के लिए वहां अस्थायी थाना खोला है। 1 इंस्पेक्टर, 2 SI और 10 सिपाहियों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं मैदान सघन जांच भी शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते से मैदान के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। यह तलाशी अभियान समारोह तक चलेगा। यही नहीं, होटल रेस्टोरेंट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों की तलाशी भी ली जाएगी। इसके लिए हर थाने में टीम बनाई जाएगी। अतिरिक्त बल के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है, जहां लोगों की भीड़ रहती है उसे चिन्हित कर पुलिस की तैनाती की जाएगी। सभी थानेदार को अपने इलाके में सघन जांच अभियान चलाने को कहा गया है और आने वाले 1-2 दिनों में पटना के संवेदनशील इलाकों में वाहनों की सघन जांच भी शुरू की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों में ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया जाएगा। मैदान में CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा। गेट पर जवानों की तैनाती सख्ती से होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।